प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ अब कुछ और लोग भी मौजूद हैं प्रोग्राम में। जैसे कि आपको पता है कि हम आज बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं शहबाज़ अली मलिक साहब से, और अब जो मौजूद हैं वो वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने तस्दीक करनी है कि शहबाज़ साहब कितना गुस्सा करते हैं और कितना नहीं करते, और वो जो अपने गुस्से को जस्टिफाई कर रहे थे, क्या वाकई वो जस्टिफाइड गुस्सा होता है या नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं बेटे हैं, बड़े बेटे शहबाज़ अली मलिक। अस्सलाम वालेकुम शहबाज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बाबा कह रहे थे, बाबा साईं जी, बाबा साईं, आपके बाबा साईं कह रहे थे कि ये गुस्सा करते हैं लेकिन बड़ा वो जस्टिफाइड होता है, ऐसा है जी? ऐसी डर के तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, ऐसी बात जिस अंदाज से इन्होंने जी कहा उस अंदाज से तो जी सही लग रहा है। ओके ठीक है, ऐसे में ऐसी बात नहीं है। ठीक, मैं समझता हूँ हर फादर अपने बेटे के साथ गुस्सा करता है। अच्छा, इट्स ए ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसमें गुस्सा नहीं होता। जिसमें गुस्सा नहीं हो। ठीक है ठीक है। वैसे बीइंग अ फादर कैसे है, कोऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं, क्या करते हैं? एवरीथिंग, सब चीजें, एवरीथिंग। मजा आता है? अपनी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो किसके पास लेके आते हैं? सबसे पहले बाबा साईं के पास, फिर मम्मा के पास, फिर मम्मा के पास। अच्छा, ये उल्टी बात है वैसे, वरना बेटे ज्यादातर माँ के पास जाते हैं और अम्मा ये हो गया, आज बाबा ने ये कह दिया, ऐसा तो नहीं होता? बाबा की शिकायत नहीं, नहीं, नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वैसे ये हमने गलत किया है कि हमने शहबाज साहब को साथ बिठाया। मेरा ख्याल भी इस वक्त जो है सच्चाई और इंसाफ की मुझे ब्रेक पे जाना चाहिए था। हाँ, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए था। बहरहाल चलो ठीक है। ये बहुत प्यारे प्यारे से पेट्स हैं आपके, एक प्रिंस है और वो स्टेला। ठीक है, तो ये शौक बचपन से है जी? जब कनाडा में था उस वक्त, ठीक है, थोड़ा सा दिल किया कि यार एटलीस्ट एक एनिमल होना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि वो फिर एक तरीके से बरकत भी हो जाती है हर जगह, तो उसकी उस नियत से हमने रखा था। सही, तो रखा छोटा सा, अब उसकी वजह से दो तीन हो गए। हाँ, मोहब्बत हो गई इससे। जी ठीक है ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनली क्या करते हो और एकेडमिक क्या स्टडीज किए थोड़ा सा? प्रोफेशनली आई हैव स्टार्टेड Joined my father's venture, जिस तरह पॉपुलर फैब्रिक्स है, क्लोदिंग लाइन है हमारी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया, एंड आई एम ऑल्सो ऑलराउंडर जिसके अंदर, क्योंकि स्टार्ट है तो अभी हर इंडस्ट्री को थोड़ा सा सर्वे करना, समझना जितनी भी सही सही जी। ठीक है, अभी आप जो है सब जगह इनको घुमा घुमा के मट्टी में मिला रहे हैं ताकि ये काम सीख जाए। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर नहीं करेंगे ये जरूरी तो फोर्थ जनरेशन के जो है वो बड़े बेटे हैं ये नेचुरली, तो इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चे बाद में आएंगे, क्योंकि होता ये है कि बड़े की जिम्मेदारियां उसी लिहाज से होती हैं, फिर बड़ा अल्लाह ने बनाया उसको इसीलिए होता है कि उसने जिम्मेदारियां भी लेनी होती है, तो इन चौथी जनरेशन की जिम्मेदारी जो है वो इनके ऊपर है। अगर ये ट्रेंड होंगे तो अपने आने वाले भाइयों को, अपनी आने वाली फैमिली मेम्बर्स को जो है वो सबको सिखा और समझा सकेंगे, ताकि ये ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पहुँच गया है उससे और आगे जाए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अपने बिजनेस में हैं आप, अपना फैमिली बिजनेस है और उसमें बॉस भी बाबा ही होंगे, सारे अपने ही लोग हैं, तो चाचू भी हैं, चाचू भी होंगे, दादू भी होंगे, बिल्कुल सही, तो मतलब सारे अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो कभी बाद में दिल नहीं खराब होता मुझे डांट दिया सबके सामने, कभी ऐसा होता है? डांट तो हर किसी को, जो गलती करता है वही डांट खाता है। कितना स्वीट बच्चा है, माशाल्लाह। सही, ठीक है, जो गलती करता है उसको डांट पड़नी ही पड़नी है। और डांट एक ही दफा काफी है। ये माइंड में आपने अपने पक्का की हुई है ये बात की, डांट पड़ गई तो ठीक है सुके। इट्स अगेन अ ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग प्रोसेस में तो फिर आप जिसको भी डालते हैं उसको मांझते हैं अच्छी तरह, तो मांझते हैं, तो फिर जब आप वो क्या एक उर्दू में लफ्ज है झूठा, झूने से माँचते हैं, उसमें उसमें जो है उसमें कांटे भी निकले हुए होते हैं। ठीक है चले भाई, जबरदस्त। आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छा एक ग्राउंड मिला हुआ है, एक ट्रैक मिला हुआ है जिसपे आप आगे तरक्की करेंगे। वैसे घर के अंदर कैसा रिलेशन रहता है? कोई फंक्शंस होते हैं, पार्टीज होती हैं, बर्थडेज होती हैं आपकी, बाबा को याद रहती हैं सारा?
सारे याद रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, क्या जरूरत है, क्या शोर मचाया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिहाइंड हिज बैक, बट माशाल्लाह से अपने काम के साथ मैंने देखा है बाबा को सही कि जितने भी सोशल इवेंट्स हो, स्पेशली घर के हो, बर्थडे हो या कुछ भी हो, he is always there on time and he is the one reminding us. अच्छा हम तो भूल ही जाते कभी कभार, सही सही, लेकिन माशाल्लाह से मेमोरी माशाल्लाह से इनकी अच्छी है. ठीक है, पॉकेट मनी मांगनी तो नहीं पड़ती? कभी मांगी नहीं मैंने, मांगी नहीं, खुद ही मिल जाती है, खुद ही मिल जाती है. पूछते तो नहीं कि कहाँ खर्च कर आए हो? कभी कभार बड़ा मैसेज आ जाए कोई जरा बड़ा आ जाए, बड़ा वाला मैसेज आ जाए, ट्रांजैक्शन बड़ी है तो पूछ ही लेते हैं यार ये क्या हुआ, ये थोड़े ज्यादा हो गए, क्या हो गया. ठीक है, अच्छा सही है सही. अच्छा जैसे होता है कि आप कहीं बाहर वेकेशंस पे लेके जाते हैं, फैमिली वेकेशंस जी होती हैं? जी जी, बचपन से जी बड़ा एंजॉय करते हैं. ऐसे ही ज्यादा करीब किसके हैं, बाबा के कि मामा के? टू बी रियली ऑनेस्ट बेटे माँ के ही होते हैं, बिल्कुल मामा's boy होते हैं, बिल्कुल माँ से ज्यादा करीब हैं. ठीक, इट्स नेचुरल, नेचुरल है ये होता ही है, बिल्कुल. अच्छा बेटियाँ बाप के साथ बहुत, बिल्कुल बहुत बाप के साथ ऐसी होती हैं कि दोस्तों से भी ज्यादा आगे होती हैं, बेटे माँ के साथ इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि वो दोस्तों से भी होती हैं, ये जरूरी होती है. और वैसे भी माँ के साथ देखे ना नेचुरल है, क्योंकि बाप तो जो है वो निकल जाता है, माँ के साथ टाइम स्पेंड होता है बचपन से, माँ ट्रेन करती है, ग्रूम करती है अपने बच्चों को, उनकी ट्रेनिंग माँ की गोद से ही ट्रेनिंग बच्चों की शुरू होती है. थोड़ा सा लीनियंट भी होती है ना माँ, थोड़ा सा मार्जिन दे देती है, थोड़ा सा छुपा भी लेती है बात को. अच्छा कोई ऐसी आदत बाबा की जो, वैसे तो जाहिर सी बात है जो जितनी बातें आपने बताई है एक आइडियल फादर की, लेकिन कोई बात लगती भी है कि बाबा ये आदत छोड़ दें? गुस्सा होना बाबा साहब के, गुस्सा एक पार्ट है अपनी जगह, एक टू बी ऑन हिज कैलिबर एक तरीके से वो ही हैज टू बी लाइक दैट. ठीक है, क्योंकि एक इंडस्ट्री चला रहे हैं पूरी, और एक सॉरी इंडस्ट्री एक नहीं है, मल्टीपल इंडस्ट्री, तो उसके लिए हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स नॉर्मल. अच्छा. कोई आदत ऐसी जो छोड़नी हो, छोड़नी हो जरूर बता दे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने दिल की बात कर सकते हो. नहीं एस सच कोई ऐसी आदत तो है नहीं बाबा की. ठीक है, जब भी मैंने देखा है, जब भी ये थोड़ा सा चेंज होते हैं, he reverts back and he does come back and does rectify. Okay. जो बहुत अच्छी आदत है बाबा. ठीक है, तो वो फिर इसलिए आपको वो मार्जिन आता ही नहीं है कहने का, वो खुद ही कवर हो जाते हैं मामला. ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई वन वर्ड कहना चाहेंगे बाबा के लिए, कोई विश, कोई चीज? वैसे हैं तो मेरे रोल मॉडल. वैसे क्यों का, ऐसे भी है? नहीं नहीं, ऐसे भी है और वैसे भी है. ठीक है, उर्दू में थोड़ी सी जो है कमी, कमजोरी है, कमजोरी हो सकती है, क्योंकि बचपन से इंसान जो है ना जैसे कराची अमेरिकन स्कूल में पढ़ा, आजकल सारे बच्चों का ये मसला है कि उर्दू जरा उनकी कमजोर है, उसमें हाथ कमजोर है. हाँ, तो इसलिए हम भी आपको मार्जिन देते हैं, वैसे तो आपके रोल मॉडल है. आगे जी, आई वुड से दैट माय फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग माशाल्लाह से, और कभी भी मैंने अपने फादर को हार्ड वर्किंग करते हुए देखा नहीं है. He's there, जिस तरह his father made, जिस तरह इनके father थे, 9 o'clock on the dot was there. My father is 9 o'clock on the dot there. और फिर आते भी माशाल्लाह से late ही हैं. And he in turn also time भी निकालते हैं सबको time देने के लिए. सब सबके लिए time निकालते भी हैं आराम से. तो I guess he's doing a very माशाल्लाह से perfect job. And this comes from the bottom of my heart. Literally. जबरदस्त है. आप कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, बच्चों के रोल मॉडल होना बड़ा ही ब्लेसिंग है कि आप ही रोल मॉडल हों अपनी औलाद की. देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही प्यारा बच्चा है बेटा, और बेटे ऐसे ही होने चाहिए, वेरी ओबीडियंट. और कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने गुस्सा किया हो तो इसने कभी मुझसे आगे से आवाज़ भी यू नो रिटर्न बैक भी किया. तो मुझे मतलब एक बाप को और क्या चाहिए. कनाडा में पढ़ता रहा, करने को तो ये भी हो सकता था कि वहीं रह जाता, बिल्कुल ना आता. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि ये वहाँ पर ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल कैरियर, वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया था इन्होंने. अच्छा. और जो है वो वहाँ पर ये बिजनेस जो है वो स्कूल में
बिजनेस पढ़ाते थे, एक साल पूरा वहाँ पढ़ाया भी उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया शहबाज, और अधूरा रहता ये इंटरव्यू अगर आप हमारे साथ ना होते, और आपकी ये खूबसूरत सी प्रिंस और स्टेला भी मौजूद रही हमारे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शहबाज अली मलिक, शहबाज अली मलिक के बेटे, और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है बाप और बेटे की, एक अच्छी दोस्ती है, एहतराम भी है, अदब भी है और मोहब्बत भी है। यही रिश्तों की असल हकीकत होती है और यही खूबसूरती होती है। एक छोटा सा वक्फा और फिर मज़ीद गुफ्तगू।